कानपुर के गली मोहल्लों से उठता ये धुआं इस दहशत का इशारा है जो कोरोना के दूसरे दौर के बाद शहर को सबसे ज्यादा दहला रही है। 105 जो मामले हैं वो कानपुर के अलग अलग क्षेत्रों में हैं। राहत की हल्की बात सिर्फ ये है कि जो भी मरीज है वो फिलहाल होम क्वारंटीन में है। एक या दो मामले ही इस वक्त ज्यादा संवेदनशील नजर आ रहे हैं। हैरत की बात ये भी है कि लगातार इन मामलों में इजाफा भी हो रहा है। 105 तक कानपुर में इनकी संख्या पहुंच चुकी है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। मच्छरों के जरिए फैलने वाली बीमारी जीका वायरस का देश में पहला मामला इसी साल 8 जुलाई को केरल में सामने आया था, जबकि यूपी में जीका का पहला मामला 24 अक्टूबर को कानपुर में मिला, जब एयरफोर्स के एक अफसर में जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। लेकिन इसके बाद सिर्फ 2 हफ्तों में कानपुर में जीका मरीजों की तादाद 105 तक पहुंच गई। संक्रमण की ऐसी तेज रफ्तार देखकर लखनऊ तक में हड़कंप मच गया। दहशत के माहौल में अफवाहों का बाजार न गर्म होने लगे, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को कानपुर पहुंच गए और सड़कों से लेकर अस्पतालों तक खुद हालात का जायजा लेने निकल पड़े। सीएम ने शहर की साफ सफाई, मच्छरों से निपटने के इंतजाम और मरीजों के इलाज के इंतजामों को बारीकी से जांचा परखा। वायरस से जुड़े हुए 105 पॉजिटिव केस पिछले एक महीने के अंदर पाए गए हैं, जिनमें से 17 नेगेटिव भी हो चुके हैं। 5 वार्ड इससे विशेष रूप से प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, नगर निगम ने सामूहिक रूप से एक अभियान चला करके सर्विलांस को तेज करते हुए स्वच्छता सैनिटाइजेशन की जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, यहां पर वह नियंत्रण में है। कानपुर में ही रहने वाले लक्ष्मी नारायण मिश्रा का परिवार अभी जीका वायरस के सदमे से उबर ही रहा है। घर के मुखिया की जीका पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद परिवार में घबराहट का माहौल हो गया था। बुधवार को कानपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने उनसे भी मुलाकात की। पहले आप बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा, कब आपको पता चला कि आप संक्रमित हो गए हैं, कैसा रहा था वो अनुभव? 28 तारीख को सर्वे टीम आई यहाँ पे, तो हमारा सैंपल ले गई, जिसमें 30 तारीख को मुझको जानकारी हुई कि मैं जीका पॉजिटिव हूँ। और अभी डॉक्टर साहब आए थे तो बताया कि आपकी रिपोर्ट जो आई है सेकंड वाली, आप निगेटिव हो गए हैं। शुरुआत में जब पता चला था तब तो बहुत डर लगा था, इनको भी, हमें भी, फैमिली मेंबर में जो भी लोग भी थे। नवंबर के पहले हफ्ते में जब मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी तो स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम ने कानपुर में घर घर सर्वे के लिए टीमें तैनात की। प्रभावित इलाकों में मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं और लोगों को मच्छर से बचने के उपायों के बारे में बताया जा रहा है। मरीजों का पता लगने पर कोविड की तरह ही घर के बाहर पर्चा चिपकाकर मरीजों को होम क्वारंटीन किया जा रहा है। हमने होम आइसोलेशन के लिए बोला था और मॉस्किटो नेट यूज करने के लिए बोला, और 14 से 15 दिन के लिए होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया। सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो नगर निगम का काम है, कूड़ा उठाया जा रहा है, डस्टबिन को ढक के रखने के लिए बोला जा रहा है। एक जगह सीलन ना हो, पानी इकट्ठा ना हो बर्तन में, कहीं मॉइस्चर ना हो, गंदगी ना हो, नालियों के ऊपर जो सिल्ट पड़ी रहती है वो सब सफाई करवाएं। कोरोना के बाद के दौर में कानपुर शहर के लिए जीका वायरस एक नई चुनौती बन गया है। हालात पर जल्द से जल्द काबू पाना जरूरी है ताकि बीमारी से ज्यादा तेजी से फैल रही दहशत पर लगाम लगाई जा सके। अभिषेक मिश्रा, कानपुर आज तक।